స్వాగతం 2024 నుండి 2025 ఖరీఫ్ సీజన్ కు సంబంధించిన పంటల కనీస మద్దతు ధరలకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విన్ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. ఇందులో వరి, రాగులు, సజ్జలు, జొన్న, మొక్కజొన్న, పత్తితో సహా 14 ఖరీఫ్ సీజన్ పంటలున్నాయని తెలిపారు. వరి ధాన్యానికి కనీస మద్దతు ధరను క్వింటాల్కు రూపాయలు 117 పెంచామని, దీంతో క్వింటాల్ వరిధాన్యం ధర రూపాయలు 2300కు చేరిందని ఆయన వెల్లడించారు. एक प्राथमिकता देते हैं अपने नए कार्यकाल में. जो सबसे पहला डिसीजन लिया वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था. आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. इन टूडेज कैबिनेट ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज बीन टेकन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है. खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है. मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा. उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट. इन द 2018 यूनियन बजट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन अ वेरी क्लियर पॉलिसी डिसीजन हैड टेकन अ वेरी क्लियर पॉलिसी डिसीजन दैट एमएसपी कम से कम डेढ़ गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की. इट हैज टू बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है. एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट विल हैव एटलीस्ट 50% मोर एमएसपी कंपेयर टू द कॉस्ट. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है. इसका एक मैकेनिज्म है सीएसईपी के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है. तो इसके आधार पर आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान. सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी. आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310. यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है. किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा